हेलो किड्स, आज हम चैप्टर 12 रीड करते हैं। हमारा भारत महान है। हमारे देश का नाम भारत है। यह एक बड़ा देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। हमारे देश में कई बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, सोन, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी आदि। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। इनकी अपनी अलग अलग भाषा और बोली है, परंतु ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ अनेक धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग पूजा करते हैं, जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सिख गुरुद्वारे में अरदास करते हैं और ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे हिंदुओं का गीता, मुसलमानों का कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाइयों का बाइबिल। अलग अलग धर्मों के होते हुए भी हम सब एक हैं। हम सब भारतवासी हैं और हमें अपने प्यारे भारत पर गर्व है। हमारा भारत महान है। हमारे देश का नाम भारत है। यह एक बड़ा देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर हैं। हमारे देश में कई बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, सोन, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी आदि। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सबकी अपनी अलग भाषा है, लेकिन ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ अनेक धार्मिक स्थल है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग पूजा करते हैं, जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सिख गुरुद्वारे में अरदास करते हैं और ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों का अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे हिंदुओं का गीता, मुसलमानों का कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाइयों का बाइबिल। हिंदू लोग गीता पढ़ते हैं, मुसलमान लोग कुरान पढ़ते हैं, सिख गुरु ग्रंथ और ईसाई बाइबिल पढ़ते हैं। अलग अलग धर्मों के होते हुए भी हम सब एक हैं। हम सब भारतवासी हैं और हमें अपने प्यारे भारत पर गर्व है। हमारा भारत महान है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा देश महान है, हमें अपने भारत पर गर्व करना है और सभी धर्म के लोगों से मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे का सम्मान करना है।